BTS News reporter Mr. Ali. भाई साहब सबको नमस्ते। आज कोरोना के बारे में लॉकडाउन होने के बाद तेलंगाना के एरिया में नहीं सारी हिंदुस्तान में सारी दुनिया परेशान है। उसके वजह से ये जिस चाइना में स्टार्ट हुआ से ये कोरोना चाइना में कम से कम 3,500 को मर गए। उसके बाद में इटाली में कम से कम 13,000 लोग भी ये कोरोना की वजह से मर गए। हर जगह जिस बड़े पैमाने से लोग मर जा रहे सबको बता रहा हूँ। ईरान में बड़े पैमाने से मर जा रहे, स्पेन में बड़े पैमाने से मर जा रहे और कई लोग हल्कों में लोग मर जा रहे सब बता रहा हूँ। सारी दुनिया पूरा परेशान है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में इस तरीके से कभी वर्ल्ड परेशान नहीं हुआ था, लेकिन इस कारण से सारी दुनिया परेशान में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो आज तो लॉकडाउन होने के बाद तेलंगाना में नहीं सारी हिंदुस्तान में हर जगह ना लोग परेशान में है। एक गांव से वो गांव जाना मुश्किल है। उसका जो सुबह से आके डेली वेज लेबर है, जो आदमी काम करे तो पैसे मिलता है, ऐसे लोग भी है गरीब लोग, वो लोगों को काम भी नहीं, पैसे भी नहीं, चावल भी नहीं और डेली कई दिनों से भी वो लोग भूखा है। ये भूखाओं के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में अपना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब ने सोच के क्लियरली बताया। आज सारी तेलंगाना में हर जगह जो माइग्रेटेड लेबर है, वो माइग्रेटेड लेबर के बारे में एक आदमी को दो महीने का 12 किलो चावल और एक आदमी को जो पूरा खर्च करने के वास्ते 500 रुपये हुकूमत की तरफ से दे रहे। जितने लोग हैं उतने लोगों को 12 किलो चावल और 500 रुपये देने के वास्ते तैयार कर इसी वही बता रहा हूँ। आज मैं हैदराबाद से बोलता हूँ, जो माइग्रेटेड लेबर कम से कम 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक यहाँ पर माइग्रेटेड लेबर है। ऐसे लोगों को कंट्रोल करने वास्ते, उन लोगों को फैमिली अच्छा रहना बोल के बोलते नज़र में रखते सोचकर अपना KCR साहब ये अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट करे। आज हम मुशाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े पैमाने से काम करे। हर जगह ये बुलकपुर में चल रहा है, वो इससे हर बुलकपुर में, रामनगर में, गांधीनगर में, मुशीराबाद में, कवाड़ीगुड़ा में, अडिकमेट में, हर जगह यहाँ पर चावल पैसे की तकसीम करे सब बता रहा हूँ। सब लोग सुख शांति, अच्छा हेल्दी रहना, कोई आदमी भूखा नहीं रहना बोल के अपना मुख्यमंत्री जिस तरीके से बोले उस पैमाने से हम लोग यहाँ पर काम करे से आपको बता रहा हूँ। हर आदमी यहाँ पर किसी पार्टीबाजी नहीं, कुछ करके तो पॉलिटिक्स भी नहीं, जो भूख से आया, जो भूखा है, जो माइग्रेट लेबर है, सबको हम देखने वास्ते कोशिश कर रहे, सबको देख रहे, उन लोगों के वास्ते हम लोग भी, हमारे लोग भी जाके उन लोगों का पर्टिकुलर्स निकाले, वैसे रेवेन्यू पीपल भी जाके पर्टिकुलर्स निकाल कर ये लोगों को दे रहे। आज यहाँ पर रेवेन्यू पीपल, म्यूनसिपल पीपल, सिविल सप्लाईज पीपल और कई दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट, कई अलग डिपार्टमेंट के भी लोग आकर वो ऑफिसर्स आके भी ये काम कर से बताते हुए ऐसा तेलंगाना में कोई आदमी भूखा नहीं दिखना बोल के जिस सब उस बात अपना चंद्रशेखर राव बोले उस तरीके से हम काम चल रहा बोलते हुए जय तेलंगाना, जय KCR, नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर KCR साहब हमेशा से हमारे तेलंगाना की आवाम को एक फैमिली का हिस्सा समझते थे। आज फिर एक बार इन्होंने ये साबित कर दिया, एक हमदर्दी के तौर पर सारे हिंदुस्तान में मिसाल पैदा कर दी, ये मिसाल दे दी कि जो गैर तेलंगाना के जो बाशिंदे यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, ये लोग आज ये लॉकडाउन की वजह से परेशान होने की वजह से हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि ये मेरे भाई बंधु है, ये मेरे बेटे की तरह है, जहाँ गैर मुकामी तेलंगाना के बाशिंदे है। आज उन्हीं के ज़मन में आज यहाँ पर हमारे MLA साहब की सदारत में MI फंक्शनल भोलकपुर मुशीराबाद में यहाँ पर 12 किलो चावल फीकस आदमी के हिसाब से और फीकस 500 रुपये दे दिया जा रहा है। यहाँ पर आज यही जिंदा मिसाल है जो KCR साहब हमेशा से ये अपनी तेलंगाना की आवाम को जो फैमिली समझते हैं, यकीनन तेलंगाना की आवाम को नहीं बल्कि दूसरे रियासतों के लोगों को भी अपने भाई बंधु और बेटे की एक मिसाल दे दी है, जिसकी इस मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। जो हर दो दिन को आकर चीफ मिनिस्टर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द करके आवाम में एक डर जो खौफ का माहौल है उसको निकाल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले 7 अप्रैल तक तेलंगाना कोरोना वायरस से फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह। इसमें बिलखसूस आवाम का ताउन ज़रूरी है। इसमें आवाम से मैं पुरखलूस गुजारिश करता हूं कि सोशल डिस्टेंस रखे, हाथों में
ग्लोसेस पहने और हमेशा हर 10-15-20 मिनट के बाद साबुन से हाथ धोइए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और बिलखसूस मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये लोग आवाम को ताउन कर रहे हैं, और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो पुलिस का ताउन करें। वो लोगों की भी फैमिली है, वो लोग भी हमारे लिए, वो लोग रोडों पर आ रहे हैं, इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पुलिस की मदद करे, पुलिस का साथ दे। वो लोग अपने फैमिली बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ़ हमारे लिए निकल रहे हैं ताकि आप लोग महफूज रखे, स्टे होम में अच्छा रह सके। इसलिए मैं एक बार फिर मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आप और सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए आपने कोशिश की। यकीनन ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह KCR साहब की सदारत में सारा हिंदुस्तान सुनहरा तेलंगाना, सुनहरा हिंदुस्तान बनेगा, ये और अब हम देखेंगे। फिर एक बार मैं हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे गैर मुखीमी तेलंगाना के बाशिंदों में चावल और रकम की तकसीम अमल में आई। खुदा हाफिज़। आज खबरों के ज़रिए और 2-4 दिन से मुसलसिल इस बात की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबार के ज़रिए और न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में जो माइग्रेंट लेबर है वो अपने घरों की तरफ पैदल बगैर किसी सवारी के हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, और कोई रिक्शे से और कोई जो सवारी दस्तियाब हुई उस सवारी से अपने अपने रियासत को, अपने अपने घरों को जाने की फ़िक्र में है। लेकिन KCR साहब ने हमारी रियासत तेलंगाना में तमाम मुखीम गैर मुखामी जो दूसरी रियासतों से जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, ये इस रियासत में रोज़गार के लिए आए और वो हमारी रियासत को तरक्की देने के लिए वो माविन रहे, उनको इसी रियासत में रहते हुए उनके जो मुश्किलात के लिए, उनकी जो मजबूरियों को समझते हुए उनको फी फर्द के लिए 500 रुपये और 12 किलो चावल एक घर के लिए देने का एहतमाम किया। और उसी सिलसिले में आज हल्के असम्बली मुर्शिदाबाद में जहाँ पे 5 क्विंटल चावल की दस्तियाबी MRO साहब की जानिब से एहतमाम किया गया, लेकिन इस मोहल्ले में काफ़ी लोग गैर मुखीम लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में रहते हैं। ये जो अभी जो सहूलत दी गई है ये नाकाफ़ी होगी, इंशाल्लाह MLA साहब से इस बात का इल्म में लाया गया और MLA साहब ने बज़ात नफ्स नफीस इस चीज़ का मुतायला किया और वो हम इसको और मज़ीद इस क्वांटिटी को बढ़ा करके तमाम लोगों को जो भी इस जगह पे, इस मोहल्ले में, इस रियासत में रहते हैं, उनको भूखे ना सोने के लिए और उनके इस मुश्किल वक्त में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो KCR साहब ने जो एहतमाम किया है उनके उनके रोज़गार, उनके जीने के लिए राज चावल का और उनकी लिए जो जो माशी मदद करने का, हम उसका बहुत तहदिल से उसको खंदा पेशानी हम उनका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे भाइयों का जो इस दूसरी रियासत से हमारी रियासत में आकर काम कर रहे हैं उनका एहतमाम किया। और हमारी रियासत के जो अफराद जिनके पास राशन कार्ड है, जो बिलो प्रायोरिटी लाइन BPL के सतह में आते हैं, उनके लिए जो एहतमाम जो है ना राशन कार्ड पे डायरेक्ट होगा, वो लोग भी काफ़ी मुतफक्र हो रहे हैं कि भाई दूसरों को दे रहे हैं फिर हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, उसके लिए भी जो है ना कार्रवाई चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द फीकस 12 किलो चावल और जो है ना उनके लिए 1500 रुपये का एक आदमी के लिए जो एहतमाम किया गया था, ऐलान किया गया था, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द अमल पैरा होगा। मैं इस मौके पे हमारे BTS न्यूज़ और अली भाई का मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने इस वक्त में इस प्रोग्राम को कवरेज करते हुए इस मैसेज को और हमारे उन तमाम भाइयों तक जिन्होंने इससे इस्तेफादा नहीं किया उनके भी इल्म में बात लाई, मैं इसके लिए मैं हमारे तौसीफ भाई का और अली भाई का मशहूर हूँ। शुक्रिया। आराम से लेना। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, हमेशा स्नान करके जो धुलाए से कपड़े पहना, बदल को भी स्नान करा के धुलाए से बस बच्चे कपड़े पहना। ये कोरोना इतना डेंजरस कोरोना है, आप लोग कोरोना से बच के रहना। पुलिस वाले चाहते बना से मैं ये बता रहा हूँ, आपके बच्चों को बचाना, आप लोग बचाना, कोई कोरोना को घर के अंदर नहीं आने देना। इस तरह से जब सरकत अपन बाहर से घर के अंदर गए तभी साबुन के साथ अपने हाथ धो लेना, और अंदर से बाहर गए तभी साबुन के साथ धो लेना, हर 20 मिनट के एक बार साबुन से हाथ धो के रहना, हमेशा साबुन से धोना। और आप लोग आसपास भी बच्चा बिच्चा कुछ नहीं रखना, आराम से साफ करके रखना, जब भी बच्चे तंदुरुस्त रहते किसी पे कोरोना नजदीक नहीं आता। अगर कोरोना अपने पास नज़दीक में आए समझो
घर घर में आए 100 लोगों को बुरा लग जाता है, कोई भी बचने का नामुमकिन है, वही चीज चल रहा है। आज क्या इटाली में कम से कम 13,000 लोग मर गए कोरोना से इतने दिन में, डेढ़ महीने में, और एक डेढ़ लाख लोग आज दवाखाने में शरीक है वो लोग कोरोना से। अपना हिंदुस्तान में कम से कम 1300 लोग भी कोरोना से है, और कई लोग मर गए, 70 तक लोग मर गए। अपने तेलंगाना में कम से कम 70 लोगों को कोरोना अटैक हुआ और कम से कम 10 बार मर ही चुके हैं। इसके बाद बात बोलते हुए आप लोग हर बहन हर बार सब लोग आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना, सफाई के साथ रहना, उसको बोलते हैं सबको हमारा Thank you.